were doing the chapter business environment. And till now, we have completed what is the meaning of business environment, the features, its significance, then the components, the five major components, and last class I had done the economic changes that took place, that is in 1991. We even call it as the new economic policy. जैसे आजकल एनईपी चल रहा है, दैट्स फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट दैट वॉज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच वॉज ब्रॉट अंडर द आई थिंक अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पी वी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड मेनी चेंजेस हैड बीन टेकन प्लेस. नाउ वी वुड बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सेम टूडे. वी आर गोइंग टू डू प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड वन मोर दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डीमोनिटाइजेशन. इन दी लास्ट सेशन आई हैड टोल्ड यू दैट व्हाइल वी टॉक अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट एम्ड एट ईज ऑफ बिजनेस, मतलब कि पहले हमारा, मैंने आपको ये भी बताया था, वी हैड स्टार्टेड ऑफ दैट इंडिया हैड अ मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन अवर हिस्टोरिकल व्हाट यू से बैकग्राउंड. हमारा जो बैकग्राउंड था वो वहां पर ऐसा था जहां वी कुड नॉट गो कंप्लीटली टुवर्ड्स अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एंड दूसरा ऑन द अदर हैंड कंप्लीट सोशलिस्ट सोसाइटी वॉज ऑल्सो नॉट फीजिबल. और इसीलिए इंडिया ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि द मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एज वेल एज द सोशलिज्म, यानी कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास में रहेगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड सम ऑफ द सेक्टर, सम ऑफ द इंडस्ट्रीज विच आर फॉर द कंज्यूमर दैट वुड बी गिवन टू द प्राइवेट. तो पहला जो कदम उन्होंने लिया था दैट वॉज लिबरलाइजेशन. तो व्हेन वी से लिबरलाइजेशन, तो हमारे यहाँ पहले व्हाट द प्रॉब्लम वाज, इवन राइट नाउ आल्सो इट इज देयर, इट इज नॉट कंप्लीटली, देयर वाज वन थिंग व्हाट वी कॉल्ड एज लाइसेंसिंग. इनफैक्ट वो जो मतलब कि ए टाइम है बिफोर 1991, उसको हम लाइसेंस राज भी बोलते हैं. देयर वाज अ सिस्टम ऑफ व्हाट वी कॉल एज परमिट. नाउ परमिट मतलब परमिशन, एंड लाइसेंस एंड परमिट मतलब आपको जो है यू वुड बी प्रोवाइडेड अ पर्टिकुलर अमाउंट क्वांटिटी कि आप उसको जो हो क्या कर सकते हो, कितना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको राशन की दुकान का लेना है लाइसेंस, तो आपको परमिट मिलेगा कि आप कितना, कितनी क्वांटिटी इन योर एरिया यू आर परमिटेड टू टेक. तो दिस वॉज एन एंड फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम. अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जो सबसे पहला उन्होंने किया वो था कि अबॉलिश किया द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ कुछ में. अभी भी है, इवन टिल नाउ स्टिल वी हैव, क्योंकि इट कैन नॉट बी कंप्लीटली एंडेड. फिर वैसे तो फिर पूरा का पूरा आपका जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उनका मोनोपोली हो जाएगा. फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दिस वॉज अ मतलब कि ये जो है एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन था ऑन द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. मतलब ये पहले था. रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. मतलब ये हमारे जो सेवन चेंजेस उन्होंने किए थे, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर इकोनॉमी. पहले क्या था कि एक गुड को, मैं जीएसटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री इकोनॉमिक पीरियड, न्यू इकोनॉमिक पीरियड. उस वक्त में क्या था, देयर वर नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस,
What to be done, what not to be done, what to be manufactured, how it has to be manufactured, means in every area there was some restriction. तो वो सबसे बड़ा जो नुकसान था उस वक्त हमारा वो था एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स का. यू कुड नॉट इम्पोर्ट थिंग्स विच वर नेसेसरी फॉर योर प्रोडक्शन. इंडियन उसमें जब हम प्रोड्यूस करते थे तो उसका कॉस्ट हमें काफी ज्यादा होता था. द एग्जाम्पल विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट. पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. पॉजिटिव इसीलिए कि पहले हमारे पास में जो खिलौने होते थे टॉयज, दिस वॉज फ्लडेड इन द मार्केट. लेकिन जो हमारे टॉयज होते थे दे वर इंडियन मेड, कंप्लीट इंडियन मेड. अब इंडिया में जो आपके रॉ मटेरियल्स है दैट कॉस्ट टू, लेबर भी ज्यादा हमारा. अब वेन अ टॉय इज मैन्युफैक्चर्ड पैक्ड एंड वेन इट कम्स टू द कंज्यूमर, तो उसका जो गुड्स होता था इफ इट इज अ ब्रांडेड वन तो वो आपका महंगा होता था. वेयर एज जब उन्होंने ये इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हटाए तो इंडिया के अंदर आपके जो चाइनीज रॉ मटेरियल्स थे, चाइनीज टॉयज थे, वो आ गए. और उसका हम लोगों को फायदा ये हुआ कि जो टॉयज पहले हमें उस, मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट एन एरा ऑफ 1990 जहां आपको एक टॉय 300 या 400 का मिलता था, वो आपको 70 या 80 में मिलता था इन अ बेटर क्वालिटी, इन अ ब्यूटिफुल क्वालिटी. नुकसान ये था कि हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे छोटे जो हमारे बिजनेसमैन थे दे हैड पेरिश्ड. सेम इज विद योर, आप लोग जो ये पतंग वगैरह चलाते हो तो इसके जो अब ऑल द आइटम्स दे आर ऑल इम्पोर्टेड. देन ऑन एक्सपोर्ट्स इट वाज अ ह्यूज इम्पैक्ट. द रीजन इज इंडिया के अंदर क्या है कि मान लो योर कंपनी इज देयर इन इंडिया, यू आर मैन्युफैक्चरिंग से टी शर्ट्स, राइट? आपका टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग है एंड यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट इट टू एनी अदर कंट्री. तो प्रॉब्लम क्या होती थी, फर्स्ट यू नीड टू टेक अ लाइसेंस. आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ता था जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था. लाइसेंस लेने के बाद यू हैव टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसीजर्स. उसके बाद यू हैव टू पे अ नंबर ऑफ टैरिफ्स एंड देर वॉज नो डायरेक्ट रूट. आपका जो है डायरेक्ट रूट यहाँ से यहाँ तक नहीं होता था तो एक्सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता था. नॉट एवरी वन कुड एक्सपोर्ट इट. एंड इंडिया जो गारमेंट्स के लिए बहुत फेमस है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ द कंपनीज. तो जो बाइंग हाउसेज होती हैं वो बहुत कम थी. लेकिन जब एक्सपोर्ट पर उन लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो नाउ देयर इज अ डायरेक्ट लिंक दैट अ पर्सन कैन डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो कंपनी है इनका बाइंग हाउस हमारी कंट्री में होता है, वो दे गिव अस द व्हाट यू कॉल एज ऑर्डर्स. और जब वो ऑर्डर्स देते हैं तो हम अपने वेंडर से या फिर अपने यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उनको देते हैं. दोस आइटम्स आर सोल्ड इन वेरियस मार्केट्स. तो ये जो अभी ये बीच के थे दे ऑल वर रिमूव्ड. ओनली देर इज अ सिंप्लीफिकेशन, जो आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं दैट इज सिंप्लीफाइड. सो दिस वॉज द वन मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरिन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. कई हमारे यहाँ पर SEZs खोले गए, कई NEPZs खोले गए, दैट इज न्यू इकोनॉमिक आपके जो जोन्स है प्रोडक्शन जोन्स. देन आपके जो है SEZs स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये आपके खोले गए. इससे क्या हुआ, इन जोन्स के अंदर व्हेन द कैपिटल वाज इन्वेस्टेड तो इट यील्डेड नॉट ओनली द रेवेन्यू टैक्सेस बट आल्सो एन एम्प्लॉयमेंट, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देन टेक्नोलॉजी पर जहां पहले आपका टैक्सेस ज्यादा थे उसको ईज आउट कर दिया गया. दिस वॉज हाउ लिबरलाइजेशन हेल्प. एंड इन रियालिटी, क्योंकि मैंने तो उस पीरियड को देखा है ना, आई कैन टेल यू, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता सकती हूँ.
जिन जीन्स को हम लोग पहले बिफोर मतलब कि ये वाले प्राइवेटाइजेशन वाले पीरियड से पहले खरीदते थे, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू वियर जीन्स। आप स्माइल कर रहे होंगे, मन ही मन में हंस रहे होंगे, बट दिस इज द ट्रुथ। अगर हमें जीन्स खरीदना होता था तो यहाँ पर आपका कनॉट प्लेस में देर इज वन बिल्डिंग कॉल्ड मोहन पैलेस। इफ यू वॉन्ट टू गो देयर, वहां पर आपका बहुत ही फेमस, यू हैव वन हनुमान मंदिर ऑल्सो, बहुत फेमस हनुमान मंदिर है। वो पूरी बिल्डिंग जो है, द एंटायर बिल्डिंग इज अ जीन्स मार्केट, एंटायर बिल्डिंग। और जब आप अंदर जाओगे ना तो यू विल फील कि जीन्स की कितनी वैरायटीज है। मैंने तो पहली बार वहां पे जाके वो कॉटरी वाले जो थे वो देखे थे। इफ यू बाय दोस रेडीमेड जीन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री 1990s, तो वो आपको पड़ते थे 2,500 3,000। तो जो लोग होते थे कॉमन लोग, दे वुड गो टू मोहन पैलेस, वहां पर जो है जाकर अपना बनवाया, 2 घंटे में वो बना के दे देते थे, या 1 दिन 2 दिन बस, मैक्स टू मैक्स। यू कुड गो एंड गेट दोज जीन्स एट अ मतलब कि से 700 600 700 में हो जाता था। अब हम लोगों को उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमें वही जीन्स उसी मतलब कि उसमें मिल जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ईज, दिस इज बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। द सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन। जब ये स्टार्ट किया था इन द लास्ट, मैंने आपको बताया था प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। इंडिया हैड अ मिक्स इकोनॉमी वेयर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज वर अंडर द पब्लिक एंड सम ऑफ द वेरी व्हाट यू कॉल एज चीप और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वर अंडर प्राइवेट। बट व्हेन दे फाउंड कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी काफी मतलब कि हो गया है, तो व्हाट दे डिड इज मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज विच वर अंडर द पब्लिक। दूसरा रीजन ये भी था कि दे वर अंडर व्हाट यू कॉल एज लॉस, तो उनको प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप दिया। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिसिटी, गॉन आर द डेज क्लास 12, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी। आज तो हमारे पास जनरेटर और उसका नाम क्या है इन्वर्टर सब कुछ है, नॉट इवन अ सिंगल मिनट वी आर लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बट दैट वॉज अ टाइम वेन इन्वर्टर्स और यू नो दीज डिजी सेंटर्स वर नॉट कॉमन। तो लाइट गई तो बस आप यही सोच सकते हो कि इंडिया, दिल्ली में रहते हो तो देसू के भरोसे, बारिश हुई गई बत्ती, और उसके बाद वो उनके भरोसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब उनका मन करेगा आता था। बिकॉज द सर्विसेज वर नॉट दैट मच इफिशियंट। बट अब जब प्राइवेटाइजेशन देने लगे तो पब्लिक सेक्टर ने भी अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किया क्योंकि नाउ दे वर इन कॉम्पिटिशन विद द प्राइवेट सेक्टर्स। सो मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, आपका फूड, देन एविएशन, आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पहले क्या होता था, आपके पास 2 चैनल होते थे, खोलो दूरदर्शन है, दूसरा आपका जो है मेट्रो चैनल है, तीसरा आपके पास जो है रेडियो है, तो रेडियो में आपका सिर्फ एक ही चैनल था। आज आप रेडियो खोल लो, आपके पास चैनल्स का भरमार है। यू हैव सो मेनी चैनल्स विच यू कैन सब्सक्राइब एंड देर आर सो मेनी प्राइवेट चैनल्स ऑल्सो। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन बिल्डिंग द नेशन एंड रिड्यूस रोल टू द पब्लिक। दिस वॉज द रिवर्सल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी परस्यूड बाय इंडियन प्लानर, क्योंकि पहले पब्लिक ज्यादा प्राइवेट कम था। टू अचीव दिस द गवर्नमेंट रीडिफाइन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। दिस कैन बी योर MCQ। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड है ना, ये कई बार पेपर में आ चुका है। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को पुल कर लेना, यानी कि जब गवर्नमेंट पैसा लगा रहा, कोई भी लगा रहा है, एनीथिंग विच व्हेन वी आर पुटिंग द मनी इट इज इन्वेस्टमेंट, व्हेन वी आर पुलिंग इट इज डिस इन्वेस्टमेंट।
एंड डिजायर्ड टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस टू बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट यूज्ड हियर इज ट्रांसफर इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर. इट रिजल्ट्स इन डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट. पहले आपका 51% था, उन्होंने उसको कम कर दिया. एंड दिस वे दे ट्राइड टू नॉट ओनली इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग क्वालिटी. द थर्ड थिंग दैट दे मेड इज ग्लोबलाइजेशन. 1980 के बाद जो है हमारा जो टाइम था, 1980 के बाद इंडियन मतलब कि इकोनॉमी का जो टाइम था वो था वेयर यू आर हैविंग टफ व्हाट यू कॉल एज कंपटीशन. नाउ पीपल वांटेड थिंग्स व्हिच शुड बी एट पार, बट स्टिल इंडिया के अंदर कुछ चीजें ड्रीम थी. हमारे यहाँ पर अभी जो फॉरेन कंपनीज थी उन लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया था और ना ही हमारे यहाँ की कंपनीज को इतना था. ना ग्लोबलाइजेशन में एक चीज और भी होती है कि आप शेयर्स के थ्रू यू कैन हेल्प देम. शेयर्स खरीदना बेचना ये सब कुछ था. तो ये सारी चीजों में वी नीडेड समथिंग वेयर यू आर हैविंग अ ग्लोबल इकोनॉमी वेयर देयर इज अ फ्री मार्केट. मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, लिबरलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन को कंफ्यूज मत करिए. लिबरलाइजेशन इज ओनली द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. इट कम्स अंडर द इकोनॉमिक व्हाट यू कॉल एज रिफॉर्म्स. अगर हम इसको अपने 5 कॉम्पोनेंट्स के लेकर अंदर लेकर आते हैं, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट के, इट कम्स अंडर इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट. ग्लोबलाइजेशन हमारा जो था दैट ऑल्सो मतलब कि रिलेटेड टू सोशल, जहां लोगों का, पहले आप यहाँ से बाहर जा रहे हो तो आपके जो वीजा, देन आपके यहाँ पर कोई आ रहा है तो उसके लिए कई मतलब कि द नंबर ऑफ थिंग्स दैट कुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द ग्लोबल कंपनीज दैट कुड सेट इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर अपने आप को एस्टैब्लिश करे, दीज वर नॉट देयर. इट वॉज नॉट इजी फॉर, अगर आज से आप 90s में कोई बोलता ना मेरा जो है जॉब जो है आई हैव गॉट इन जर्मनी, तो लोग अपना पूरा मुंह खोल लेते. आज कहते हैं अच्छा ओके, क्योंकि हर दूसरा इंसान जर्मनी चला जाता है. जर्मनी इज जस्ट अ वर्ड. आई मीन टू से गोइंग अक्रॉस वन बॉर्डर टू क्रॉसिंग वन बॉर्डर इज नॉट अ ड्रीम नाउ. एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द टर्म वॉट वी कॉल एज ग्लोबलाइजेशन. इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द एमरजेंस ऑफ अ कोहेसिव, कोहेसिव मतलब मिला जुला ग्लोबल इकोनॉमी. टिल 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इम्पोर्ट्स इन वैल्यू एंड टर्म्स, वॉल्यूम कितना और कितना पैसा. दीज रेगुलेशंस वर रिस्पेक्टेड टू लाइसेंसिंग, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ये तीनों थे. द न्यू रिफॉर्म एम्ड एट ट्रेड लिबरलाइजेशन वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू रेशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, सो दैट द कंट्री डज नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट. ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस नेशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. फिजिकल जियोग्राफिकल गैप और पॉलिटिकल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिमेन बैरियर्स फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज टू सर्व अ कस्टमर इन अ डिस्टेंट जियोग्राफिकल मार्केट. दैट इज व्हाट आई सेड कि अगर आप पहले किसी भी चीज को, इंडियन चीज को बाहर जाके खरीदते तो उसकी कीमत जो थी वो 100 गुना ज्यादा होती थी. द सेम वॉज वाइस वर्सा. नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड. दिस हैज बीन पॉसिबल बाय द रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी
लिबरल ट्रेड पॉलिसीज थ्रू द पॉलिसी ऑफ 91 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूव द कंट्री टू दिस ग्लोबलाइजेशन पैटर्न। अगर आप देखो ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशंस, आज आपके पास इफ यू वांट टू टेक वन पॉलिसी फॉर योर कार और योर स्कूटी, आप क्या करते हो, यू गो टू www, यू जस्ट टाइप पॉलिसी बाजार, आपके पास 10 है और उनमें से 10 में से नॉट एवरी वन इज एन इंडियन कंपनी, दे आर ऑल जॉइंट वेंचर्स एंड दिस सर्विस जो प्रोवाइड करने के लिए जो मतलब की ईज आउट है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस, टूडे पुटिंग द मनी इन एनी अदर, आज जो है GDRs या ADRs जो है वो काफी कॉमन है। फ्री फ्लो ऑफ IT, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अ कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विच कम्स अंडर WTO, क्योंकि WTO इज अ यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करता है कि किसी भी कंट्री जो मेंबर कंट्रीज है उनमें कोई डिस्प्यूट हो तो द इट शुड बी रूल्ड अ ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव द सेम। नाउ द नेक्स्ट इज आउट और यू कैन से वन मोर वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिनोमिनेशन सॉरी डिमोनिटाइजेशन। इन माई अर्लियर नोट्स आई हैड टोल्ड यू कि डीमोनिटाइजेशन इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट इन आवर कंट्री, पहले भी आपके जो है 1946 में 70s में भी हुआ था और ये आपका जो हुआ है दिस इज द थर्ड टाइम, बट यस ये जो हमारा हुआ था दिस वॉज बिकॉज इट केम इन द वेकअप ऑफ सॉरी इकोनॉमिक चेंजेस, तो इसकी काफी जो है चर्चे में रहा है एंड मोर ओवर दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अ डे, दोपहर को या आई थिंक शाम को देर वॉज अ न्यूज बाय 12 टूडे, तो दिस न्यू नोट जो 500 एंड 1000 है दे वुड बी डीमोनिटाइज, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो खत्म। अगर आपके घर में वो पड़ा है तो दैट कैन बी यूज ओनली फॉर द यू नो अपने घर में कुछ चीज किसी चीज को सजाने के लिए यूज, उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। This created lots of chaos also, but it was because the government had taken some, उन्होंने उसको aim out किया था and paper के अंदर आपके दो तरीके के questions आते हैं, एक आता है demonetization का aim और दूसरा आता है ये किस component के अंदर आता है, ठीक है। तो component जब हम बोलते हैं the government, और ये question यही वाला same है, यही question है, this is the same, ये सेम क्वेश्चन। तो व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट हुआ तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था दैट वाज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो अनाउंसमेंट है दैट कम्स अंडर पॉलिटिकल बिकॉज दैट वाज अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, बट उसका जो इम्पैक्ट था दैट वाज बिकॉज इट रेफर टू द इकोनॉमी। The government of India made an announcement on November 8, 2016 with profound implications for the Indian economy. The two largest denomination, 500, 1000 were demonetized, ceasing to be legal tender except for a few specified persons such as paying utility bill. This led to 86% of the money in circulation invalid. आप सोच सकते हो सिर्फ 14% ऐसे थे जिसमें हम 100 रुपए या 50 रुपए यूज कर रहे थे, मैक्सिमम पीपल वर यूजिंग 500 एंड 1000 रुपीज नोट। द पीपल हैड टू डिपॉजिट इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स विच केम अलोंग विथ रिस्ट्रिक्शंस, आप कितना कर सकते हो, इन अदर वर्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड इन द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट, दैट वॉज रियली अ वेरी टफ पीरियड आई नो। The aim of demonetization was to curb corruption, क्योंकि जब हम कोई भी गड़बड़ मतलब कि गड़बड़ वाला काम करते तो हम 100-200 में तो नहीं करते ना, हम तो सीधा लाखों में करते हैं,
और लाखों के लिए आप 100 रुपए या 200 रुपए का नोट तो दोगे नहीं, आप सीधा 500, 1000, 2000 दोगे। दैट इज वाई अभी दोबारा से उन्होंने 2000 के नोट्स को मतलब कि उसकी डिवैल्यू किया है। काउंटर फीटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड एक्सेप्शनली अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर टू टैक्स अथॉरिटी। टैक्स बचाने का सबसे इजी तरीका होता है आप, व्हाट इज ब्लैक मनी? द मनी व्हिच यू आर नॉट गिविंग टू द डिपॉजिटिंग इन द बैंक, व्हिच यू आर नॉट गिविंग एज अ, मतलब आप अपनी रेवेन्यू नहीं बता रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस। नाउ व्हाट वर द फीचर्स? अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। यस दिस इज वेरी ट्रू। अगर आप कोई भी मतलब इफ यू आर इनटू सीए, आप कभी भी कल को कभी ऑडिटिंग वगैरह में जाओगे तो आपको समझ आएगा कि बिफोर 1999 मतलब ये वाला जो पीरियड था, लोग टैक्सेस को काफी बचाते थे। कंपनीज के अंदर क्या करते हैं, हाउ डू दे कैलकुलेट द टैक्सेस फॉर द नॉर्मल पीपल हु आर इन द यू नो जूनियर लेवल या मिडिल लेवल में, उनके लिए तो कोई नहीं होता। हायर लेवल में व्हाट दे डू इज दे डोंट दे विल बी टेकिंग द मनी नॉट एज अ मतलब कि इनकम की तरह नहीं लेंगे, वो ऑनररी पेमेंट की तरह लेंगे, सर्विस की तरह लेंगे, क्योंकि सर्विस पर आपके टैक्सेस नहीं कर सकते हो। मतलब सर्विसेज मतलब जो सर्विस आप चैरिटी में कर रहे हो, तो नेचुरल है कि जब आप सर्विसेज को चैरिटी में नहीं कर रहे तो आपको पेमेंट मिल जाती थी। पेमेंट होती वो उसी चीज के लिए थी, लेकिन उसको दिखाया जाता था कि आप चैरिटी कर रहे हो। तो कई बार लोग जो है अपने अकाउंट मतलब कि वेल्थ को अकाउंट नहीं करवाते, बट दोज विथ ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पेड टैक्सेस। अब घर के अंदर छुपा के रखा है, दे आर यूजिंग इट, अब घर में जाकर कौन देख रहा है? पीरियड बड़ा ही मजेदार था, बड़े मजे आते थे, बड़े सारे ऐसे ऐसे मतलब कि न्यूज आते थे कि किसी के घर के पूरे मतलब कि घर के अंदर पूरे के पूरे दीवार के अंदर, बेड के अंदर, टॉयलेट्स के जो आपके मतलब कि पॉजिट्स होते हैं उनके अंदर पैसा छुपा के रखते थे, और दे यूज्ड इट। नाउ अब उसकी तो वैल्यू खत्म थी, तो उनको कुछ ना करके भी दे हैड टू डिपॉजिट इट। नाउ प्रॉब्लम क्या आई, दो चीजें आई। जब उन्होंने डिपॉजिट किया तो 50,000 से ज्यादा पर आपके टैक्सेस लग गए, तो सबके टैक्सेस लग गए। दूसरा, अब उनको डर है एवरी टाइम दे विल बी पेनालाइज, तो उन्होंने जब इतना अकाउंट किया है तो दे आर नाउ अंडर द स्क्रूटनी, तो उनके अकाउंट पे पूरी चेकिंग होती है, उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं। हमारे सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड ऑल द सेलिब्रिटीज जिनके हम लोग इतनी पूजाएं करते रहते हैं, व्हाट डू दे डू? दे टेक हेफ्टी मनी फॉर परफॉर्मिंग इन एनी इवेंट, लेकिन वो दिखाते क्या है कि वो अपने फ्रेंड की शादी में नाच रहे थे, उन्होंने मतलब कि किसी पर्टिकुलर इवेंट को स्पॉन्सर किया था, और उनको जो पैसा मिलता वो कैश में लेते थे। नाउ एवरीथिंग हैज टू बी रिकॉर्डेड थ्रू द इनकम टैक्स। डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिकेटिंग टैक्स इवेशन विल नाउ नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। ये उसी का आपका एक्सटेंशन है। इट्स वेरी मतलब कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी इनकम को बिल्कुल सही डिक्लेयर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इनकम हैज टू बी डिक्लेयर एग्जैक्टली, बट ये जहां इनकम इज मोर वहां डिक्लेयर करके यू कैन हेल्प द गवर्नमेंट। कॉमन पीपल कुछ नहीं कर पाता, जो मिडिल क्लास है वो कुछ नहीं कर पाता, उसके टैक्सेस तो कट जाते हैं फरवरी में पूरा, लेकिन जहां पर आपके पेमेंट्स अलग अलग तरीके से आते हैं, दे कुड इजिली डू इट। डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ दिस कम्स अंडर, बहुत सारे लोग हैं सेविंग्स को करते हैं, मैंने आपको जब ये समराइज करवाया था तब भी आई गेव यू द एग्जाम्पल, एंड विच इज अ ट्रू एग्जाम्पल, दिस इज अ ट्रू एग्जाम्पल। नॉर्मली जो विमेन होती हैं घर में, जो मतलब की होते हैं नॉर्मली, मतलब व्हाट दे डू इज
कीप द मनी इन कैश। नाउ मैं अपना एक बहुत मतलब कि टिल नाउ आई हैव वन आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट विद यू बट दैट वन थिंग इज ऑलवेज देयर। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने पास में कैश रखते हैं कि हाँ भाई किसी को बताना नहीं है। उसके पीछे रीजंस आपके बहुत अलग है। लाइक इफ इट कम्स इनटू द यू नो पिक्चर ऑफ हस्बैंड और सास ससुर को पता लग जाता है वो छीन लेते हैं, इसीलिए वो लोग जो है छुपा के रखते हैं। कई बार इट इज अ हैबिट। तो नाउ आप घर पे रखते तो वो जो पैसा है वो अंडे तो नहीं देगा ना। अगर आपने अपने पास 5,000 रखे हैं, वो 5,000 2 महीने बाद भी 5,000 ही रहेंगे, 2 साल बाद भी 5,000 ही रहेंगे, 20 साल बाद भी वो 5,000 रहेंगे। लेकिन अगर आप उसको बैंक में डालते हो तो वही पैसा आपका जो है इट गिव्स यू द इंटरेस्ट, चाहे वो इंटरेस्ट कम क्यों ना हो लेकिन वो इंटरेस्ट देता है, पहली बात। दूसरा, जब आप इंटरेस्ट के आप अपने पैसे को जमा करते हो तो दैट मनी कैन बी यूज्ड बाय द बैंक्स टू एक्सटेंड क्रेडिट टू द पीपल हु नीड इट। इस तरीके से आप अपने इकोनॉमी को और जो है फॉर्मलाइज करते हो। हमारे पास पैसा नहीं होता है इसीलिए हम एक्सटेंड नहीं कर पाते, लेकिन अगर पैसा होगा तो हम उसको जो है लोगों को, जिन लोगों को जरूरत है बिजनेस वगैरह के लिए, हम उनको दे सकते। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को ये फॉर्मलाइजेशन सिखाएं। एज आई टोल्ड यू दैट आई टेल यू आई हैड मेरे जो मामा जी आए हुए थे, सो एट दैट वॉज अ टाइम एग्जैक्टली वेन माई फादर डाइड। इट वॉज अक्टूबर 24 ही डाइड। तो मामा जी आए थे एंड एज अ पार्ट उन्होंने मुझे जो है कुछ मतलब जो भी एक रूल होता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे 5,000 रुपीज दिए। 500 500 के नोट थे। मैंने मतलब खर्च वर्च करने थे वो न्यू नोट थे, तो मैंने क्या किया, अच्छा ठीक है मैं नोट को रख लेती हूँ, आई केप्ट इट इन साइड माई होम। और मैंने कहा मैं दूसरे नोट को यूज करूँ। मम्मी से मैंने बदला बदल लिया, मम्मी को मैंने बोला मम्मी ये नोट मुझे दे दो आप मामा जी का ना दूसरा वाला। मम्मी ने कहा ठीक है। तो आई गेव हर द सेकेंड मतलब दूसरे नोट उनको मैंने पकड़ा दिए और वो नोट मैंने लाके अंदर रख दिया और मैं भूल गई। आई जस्ट फॉरगॉट इट, आई रियली फॉरगॉट इट, चला गया वो, अब मुझे याद ही नहीं रहा। आफ्टर आई थिंक 1 ईयर आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग द अलमीरा एंड आई फाउंड दैट 500 नोट देर। वो अभी भी वहीं पड़े हैं, अब उसका तो यूज ही नहीं है ना। दे आर ऑल वेस्ट। आई ट्राइड इन RBI, आई ट्राइड एवरीवेयर। उन्होंने कहा इसका एक काम करना, आप एक बहुत सुंदर सा जो है फ्रेम बनाकर अपने घर में लाओ। तो नाउ अगर हम 1 रुपया भी अपने पास रख रहे थे तो दैट बिकेम वेस्ट। लोगों को अपना पैसा जो है वो दिखाना पड़ा। एंड दूसरा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया कि हमारे पास अगर 10 रुपये बच गए नॉर्मली, अगर वे मतलब कि होता क्या है, मैं स्पेसिफिकली गरीब लोगों को बता रही हूँ, उनके पास 1,000 रुपये हैं, 10 रुपये बच गए, 100 रुपये बच गए, वो अपने पास रख लेंगे। एंड दे वुड चैनलाइज दैट सेविंग्स ओनली विद देम, दे वुड नॉट पुट इट इन द बैंक। एक तो हाई इलिटरेसी रेट, दूसरा उनको लगता है कि कभी जरूरत पड़े तो वो यूज कर सकते। लेकिन अब बिकॉज ये डर हमेशा होता है कि भाई कब हमारा जो मनी है उसको ये डिमोनिटाइज कर देंगे, पीपल हैव नाउ स्टार्टेड इट फॉर्मली पुटिंग इन टू द बैंक्स। उससे बैंक्स को हेल्प मिला है बिकॉज दे आर एक्सटेंडिंग द लोन टू द पीपल, तो हमारा इकोनॉमी उससे ज्यादा बढ़ गया। दो, मच ऑफ द कैश दैट हैज बीन डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम इज बाउंड टू बी विदड्रॉन, बट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट स्कीम्स जो है वो किए थे। और दूसरा क्या था, उस वक्त में गवर्नमेंट ने नए नए स्कीम्स भी स्टार्ट किए थे। अनदर फीचर ऑफ डीमोनिटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट। मतलब आप अभी जो हो अपनी पैसा आप कैरी नहीं करते बिकॉज यू आर यूजिंग द सिस्टम
उससे दो चीजों का फायदा हो जाता है, एक आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरा आपके जो भी ट्रांजैक्शंस है ना, दे आर ऑल रजिस्टर्ड, दे आर ऑल रजिस्टर्ड। अगर आपने कोई भी अपने बैंक से एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर 49,000 के ऊपर निकाला तो बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो उससे दो चीजें हो गई, एक तो आपका सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, दूसरा दे कुड ऑल्सो इम्प्रूव द टैक्स कंप्लायंस। दो देर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेन दिस एज डिजिटल ट्रांजेक्शन रिक्वायर यूज ऑफ सेल फोन्स, जैसे पेटीएम वगैरह है, पॉइंट ऑफ स्केल मशीन्स, पॉइंट ऑफ स्केल मशीन्स होता है जो हम एटीएम कार्ड को स्वाइप करते हैं वो, विच विल ओनली वर्क इफ देर इज इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑन द कॉन्ट्रारी These disadvantages are counterbalanced by an understanding that it helps people into formal economy, increase financial saving and reducing tax evasion. अगर आप बहुत छोटे उसमें भी देखोगे ना, हमारे हाथ में 1,000 रुपए होंगे ना, विद इन 1 मिनट 1,000 रुपए खत्म। वेर एज अगर आप उसको डिजिटल दे रहे हो तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, अगर आपको किसी को 700 रुपए देने तो आपने 700 ही देने, तो वो जो 300 आपने नहीं निकाले ना बैंक से, वो आपके बैंक में 300 पड़े ही रहेंगे, हाथ में रहते हैं, वो खर्च भी होते हैं। सो इट हैज हेल्प द पीपल टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सेकेंडली ऑफ कोर्स आपके और भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे सॉल्व हुए हैं, यस फॉर सर्टन एरियाज इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि इट इज नॉट ईजी टू शिफ्ट ओवर फ्रॉम अन यू नो एक जो इकोनॉमी जहां हम पैसों में हाथ लगाकर खेलना पसंद करते थे, वहां हम सिर्फ कार्ड या फिर अपने फोन से सब कुछ कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। स्टिल इट हैज रियली बीन एन अप्रिशिएबल मेजर। वॉट आर द इम्पैक्ट ऑफ, ये जो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा था ये था फीचर एंड ये है आपका ऑब इन, मतलब फीचर्स आते हैं तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा एंड एम आपसे पूछा जाएगा, एम आपसे पूछा जाएगा। नाउ एज आई सेड कि जब हम कैशलेस बोलते हैं या फिर कैश लाइट इकोनॉमी बोलते हैं तो उसके अंदर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आया था, दैट इज डिजिटलाइजेशन। दिस कम्स अंडर द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फर्स्ट जो लोग डिजिटल में नहीं थे यानी कि पुअर, देन जो डिजिटल को कम यूज करते थे लेस एफ्लुएंट, इन सबको कवर किया गया था, द पुअर हु आर लार्जली आउटसाइड द डिजिटल इकोनॉमी। अब एक घर मतलब कि रोड में बैठा हुआ कबाड़ी या रोड में बैठा हुआ कोई गोलगप्पे वाले को आप जाकर बोलो भाई मैं आपको कार्ड से पेमेंट कर रहा हूं, बेचारा कहाँ जाएगा। द लेस लार्जली आउटसाइड द डिजिटल इकोनॉमी द कॉमन पीपल, द लेस एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब बहुत वेल्दी नहीं, हु आर नाउ बिकमिंग हैव बीन कवर्ड अंडर जनधन अकाउंट्स, रुपे कार्ड्स, एंड द एफ्लुएंट यानी कि दोज हु आर वेल्दी रिच आर फुली कन्वर्जेंट विद डिजिटल ट्रांजैक्शंस। जो यूज कर रहे थे दोज हु आर इनटू दिस, बड़ी बड़ी आपके ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज में तो ऑलरेडी द कार्ड्स आर देयर, उनके पास तो शुरू से ही आपके जब आपका ग्लोबलाइजेशन आया था, व्हेन ग्लोबलाइजेशन केम इनटू इंडिया सिटी बैंक इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट कार्ड्स एंड विद इन अ फ्यू स्पैन अदर बैंक्स आल्सो इंट्रोड्यूस एंड देन इंडियन बैंक्स आल्सो स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग द कार्ड्स। हमारे यहाँ पर पहले नहीं हुआ था, फर्स्ट इट वॉज सिटी बैंक, देन अमेरिकन एक्सप्रेस, देन आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ऐसे करके फिर हमारी जो अपने थे उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। पहले होता था अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड है और अगर आप उसको एचडीएफसी के से निकाल रहे हो तो आपके बैंक से 40 रुपए कटते थे, फिर गवर्नमेंट ने उसको भी हटा दिया, नाउ इट इज फ्री मार्केट, आप किसी भी बैंक में जाकर किसी भी कार्ड से पैसा निकाल सकते हो।
नाउ दिस हैज बीन डन, जो डिजिटलाइजेशन के अंडर आला। देन कंपलसरी सेविंग के लिए, नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि कम भाई, अब आप एक रिक्शा पुलर, एक कॉबलर को सेविंग्स का मतलब कैसे समझाओगे? यू कैन एक्सप्लेन इट टू अ पर्सन हु इज ओनिंग अ शॉप, लेकिन आप किसी एक रेडी वाले को या फिर आप एक कॉबलर को कैसे समझाओगे? गवर्नमेंट ने उस वक्त में दो चीजें स्टार्ट की थी, एक था जनधन योजना, जनधन योजना, और उसी के अंदर एक और था, आई थिंक इट वॉज समथिंग लाइक सुरक्षा बीमा, जनधन सुरक्षा बीमा। तो जो जनधन योजना था उसके अंदर व्हाट गवर्नमेंट डिड इज इट प्रोवाइडेड जीरो बैलेंस अकाउंट्स दिए कई लोगों को। उसके साथ उन्होंने दो स्कीम स्टार्ट किए थे, वन वाज द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो मात्र 333 रुपए पर ईयर में आपको मिल जाता है। इफ अ पर्सन इज डेड, उसकी जो फैमिली है उसको इमीडिएटली 2 या 2.5 लाख मिल जाता है। एंड वन मोर इज द जनधन, एक आपका मतलब की बीमा दैट इज द डेथ, और दूसरे वाला था एक्सीडेंटल, वो दिया। एंड जनधन जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं दे वर प्रोवाइडेड विद जीरो बैलेंस। मतलब अभी अगर आप एक HDFC में खोलते हो तो द मिनिमम बैलेंस यू रिक्वायर इज 10,000। इन ICICI इट डिपेंड्स, सैलरी अकाउंट है, नॉन सैलरीड है, क्या है, तो 5 to 10,000। इन स्टेट बैंक और इन इंडियन मतलब अदर बैंक इट इज 1,000 रुपीज। लेकिन एक गरीब आदमी के पास तो 1,000 रुपए भी नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? तो जनधन योजना के अंडर जो बैंक थे वो ऑपरेटेड विद जीरो बैलेंस, और इस तरीके से द गवर्नमेंट ट्राई टू प्रमोट चैनलाइज द सेविंग्स। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट, हुआ क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव? फर्स्ट, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस, इंटरेस्ट रेट हमारे जो है वो मतलब कि कम हुए। कैसे कम हुए? डिपॉजिट ज्यादा हुए। जब बैंक के पास डिपॉजिट होता है तो वो उसको क्रेडिट की तरह एक्सटेंड कर सकता है, तो दे कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज दैट गोज विद द डिमांड एंड सप्लाई थियोरी। आपके पास है सप्लाई तो आप कम कर सकते हो। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, प्राइवेट वेल्थ, डिक्लाइंड सेंस सम हाई डीमोनेटाइज नोट्स वर नॉट रिटर्न्ड। भाई कई लोग ऐसे थे, दे कुड नॉट प्रोवाइड द सोर्स ऑफ इनकम। आपके पास ये पैसा कहाँ से आया है, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग हम घर खरीदते हैं तो गवर्नमेंट प्रोवाइड द सर्कल रेट, एंड वेन वी आर सेलिंग आउट हम लोग आउटसाइड द सर्कल रेट मतलब की करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उसको हम लोग जो है कैश में लेते हैं, एंड वी स्पेंड इट इन दैट वे। बट अब आप उसको स्पेंड कर नहीं सकते थे, और होता क्या है कि अगर आप बैंक के थ्रू जा रहे हो तो जहां आपका 50,000 का क्रॉस हुआ आपके ऊपर टैक्स लग गया, तो लोग क्या करते हैं उसको कैश में रखकर कैश में खर्च करते हैं, लाइक बाइंग द ज्वेलरी, बाइंग द रियल एस्टेट्स। और उसके बाद आपका रियल एस्टेट का जो प्राइस था वो काफी कम हुआ। पब्लिक सेक्टर के वेल्थ में देर वॉज नो इफेक्ट। डिजिटल ट्रांजैक्शंस, रूपे कार्ड्स, आपके जो ATM कार्ड्स हैं ये आपके बढ़ गए, दिस वॉज मतलब कि इंक्रीज। आज हम में से शायद ही कोई है, आई थिंक मतलब नॉट बिकॉज आई एम ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म, इवन दो वेन आई वॉज नॉट ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म मैं तब भी डिजिटलाइजेशन प्रेफर करती थी, इवन बिफोर 2016, मीन्स वेन दिस वॉज नॉट देयर, आई हैड सो मेनी पेरेंट्स जो कि मेरे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करते थे। एंड AEPS मीन्स आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS का मतलब होता है आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब यही है, वी आर हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ द कार्ड्स। देन रियल एस्टेट प्राइजेस आपके डिक्लाइन हो चुके हैं काफी। टैक्स कलेक्शन, राइज इन द इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। और इसका जो फायदा और भी हुआ है,
जो पहले लोगों का वो जो एक वैल्यू होता था ना, दैट मतलब कि वो एकदम से राइज हो रहा था, वो खत्म हो गया। अब उनको सीधा टैक्सेस दिखाना पड़ता है, दे हैव टू डिस्क्लोज इट। तो देर हैव बीन सम पॉजिटिव मेजर्स, बट देखिए बच्चा, अभी भी जिनको व्हाट वी कॉल एज दोज हु वांट टू डू इट, दे डू इट इन एनी वे, येट देर इज अ ड्रास्टिक चेंज बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। व्हेन आई वाज डूइंग दिस चैप्टर आई नेवर न्यू, उसी दिन हमारा मतलब कि देर वाज अ न्यूज कि जो अभी 2000 के नोट सर्कुलेशन में है उनको जो है बंद कर दिया जाएगा। इट इज नॉट डीमोनेटाइजेशन, उन्हें बंद कर दिया जाएगा एंड धीरे धीरे उसको मार्केट से निकाल दिया जाएगा। मतलब इट वुड बी देयर एज अ सर्कुलेशन बट वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो नाउ ऑल द पीपल आर गोइंग, दे आर रशिंग टूवर्ड्स अ बैंक टू एक्सचेंज देयर 2000 नोट्स। देर आर सो मेनी यू नो मीम्स, देर आर सो मेनी न्यूज अबाउट दिस। कल मैं पढ़ रही थी द बैंक्स वर रनिंग आउट ऑफ कैश क्योंकि लोग कहते हैं हमारे 2000 का नोट वापस ले लो। देन जोमाटो टोल्ड दैट उनके जो कैश ऑन डिलीवरी का नंबर ऑफ जो लोग थे जो कैश ऑन डिलीवरी कर रहे थे उन्होंने ज्यादा भी हो गए और सब लोग 2000 का नोट दे रहे थे। एंड दिस इज बिकॉज इट क्रिएटेड अ पैनिक। एक्चुअल में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज इट इज स्टिल इन सर्कुलेशन। और जब भी आपका आसपास में होता है, ओनली इफ यू आर यू हैव अमास्ड अ नंबर, मतलब आपने 2000 के नोट में 2 करोड़ रखा हुआ है तो आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन इफ इट इज फॉर द रेगुलर यूज आई थिंक दैट इट शुड नॉट बी अ पैनिक क्रिएटिंग। हाँ, जब 2016 में हुआ था तो डेफिनेटली देर वर सम प्रॉब्लम्स बिकॉज वी ऑल्सो डिड नॉट नो वॉट विल हैपन एंड फिर उसकी वैल्यू खत्म हो गई थी। तो दिस इज अ चैप्टर व्हाट वी कॉल एज बिजनेस एनवायरनमेंट। मीन्स बिजनेस को करने के लिए वी नीड टू स्टडी द एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस से जुड़ा हुआ हर वो इंसान, इंस्टीट्यूशन, फोर्स जो कि स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा या फिर नॉन स्पेसिफिकली इन जनरल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनरलाइज सबके लिए होती हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन इज फॉर एवरीवन, वेदर इट इज अ स्मॉल बिजनेसमैन और अ बिग। वेयर एज देयर वर सर्टेन मेजर्स जो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस को करती है। देन वी रेड अबाउट द फीचर्स व्हाई अ मैनेजर शुड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट सो दैट ही कम्स टू नो द थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, चेंज, पॉलिसी फॉर्मेशन और अपना इम्प्रूवमेंट करे। देन द कॉम्पोनेंट्स विच वी से एज इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। ये आपके पास इफ यू मतलब कि एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है। दिस विल बी एज आई हैव ऑलरेडी बीन टेलिंग यू हंड्रेड हंड्रेड टाइम्स, अगर आप में आपके क्वेश्चन में इनमें से कोई भी ऐसे वर्ड्स आते हैं ना दैट यू कैन आइडेंटिफाई विद द एनवायरनमेंट और द एलिमेंट। देन द नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। वी हैड अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। देन इन 1991 द इंडियन इकोनॉमी गेट गॉट अ न्यू चेंज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच कंप्राइज ऑफ एलपीजी एंड देन उसका क्या इम्पैक्ट रहा एंड लास्ट नॉट बट द लीस्ट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ वॉट वी कॉल एज डीमोनिटाइजेशन। इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक रिफॉर्म, लेकिन डीमोनिटाइजेशन इसलिए स्पेसिफिक है बिकॉज इट वॉज इन लेटर ईयर्स। So that's all in the chapter what we call as business environment.